अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ जूसी दानेदार आटे का हलवा। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको इस ज़बरदस्त दानेदार आटे के हलवे की रेसिपी। आटे का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ 80% घी और 20% ऑयल लिया है। ये टोटल एक कटोरी के लगभग हो गया है। ऑयल हमने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। अब हम इसमें दो लौंग ऐड करेंगे। लौंग थोड़ी चटकने देंगे। अब इसमें मैं लूँगी एक कटोरी आटा, ये गेहूं का आटा है। इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक आटे का कलर चेंज ना हो जाए। इसका कलर लाइट ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। आप चाहें तो 50% घी और 50% ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें घी और ऑयल ज़्यादा इसीलिए ऐड किया जाता है ताकि ये हलवा दानेदार बने। अगर आप कम घी या ऑयल यूज़ करेंगे तो ये हलवा आपका बहुत ड्राई बनेगा, इसमें तरावट नहीं दिखेगी आपको। आटा भुन चुका है, इसमें लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमें जितना हमने आटा लिया है उसका जस्ट डबल लेना है। अगर हमने एक कटोरी आटा लिया है तो हम दो कटोरी पानी ऐड करेंगे। इसे धीरे धीरे मिलाकर पकने देंगे। कंटिन्यू स्टर करेंगे ताकि लम्स फॉर्म ना हो। इसमें पानी सूख चुका है। अब हम इसमें जितना हमने आटा लिया है उतनी ही शक्कर ऐड करेंगे। जैसे एक कटोरी आटा है तो एक कटोरी शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर मैं लास्ट में इसीलिए ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा हलवा जूसी बने। शक्कर अपना पानी छोड़ेगी और हलवे को जूसी बना देगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम सिर्फ एक चुटकी नमक डालेंगे। नमक डालने से हमारे शक्कर का जो फ्लेवर है वो इन्हांस हो जाएगा। शक्कर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे धीमी आंच में 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। ये हमने 4 से 5 इलायचियों का पाउडर लिया है। हलवा बनकर तैयार है। इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए कितना शानदार कलर का हलवा बनके तैयार है। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है हलवे में, और ये बहुत ही यमी हलवा बना है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।